चिल्ड्रन, आज हम लोग आप लोगों का ईवीएस चैप्टर का फिफ्थ वाला वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के ईवीएस का सेकंड चैप्टर पढ़ा रही थी, अवर सेंस ऑर्गन्स, जिसमें आप लोगों को मैंने पांचों सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताई थी। आज हम उसके आगे का लेसन रीड करेंगे, तो चलिए हम लोग रीड करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स। अब हम लोगों को अपने सेंस ऑर्गन की किस प्रकार से केयर करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया है। क्लियर? मैं इसको रीड कर रही हूँ। अवर सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्या लिखा है? अवर सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वी शुड टेक केयर ऑफ देम। क्लियर? आइज, वी शुड वॉश अवर आइज रेगुलरली। कौन सा शब्द है ये? रेगुलरली, आर ई जी यू एल ए आर एल वाई, रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर। क्लियर? वी शुड नेवर रीड इन पुअर लाइट। थर्ड है आपका, वी शुड ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कौन से शब्द है ये? वेजिटेबल्स, सच एज स्पाइनेज, टू इम्प्रूव अवर विजन। ठीक है? वी शुड प्रोटेक्ट अवर आईज वाइल प्लेइंग। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड वियर गॉगल्स, जिसको क्या पढ़ते हैं? गॉगल्स, वाइल प्लेइंग क्रिकेट एंड बेसबॉल। क्लियर? ऑलवेज रीड इन अ वेल लिट रूम। क्लियर? वी शुड नॉट रब अवर आईज। बेटा यहाँ आप लोगों को अब अपने सेंस ऑर्गन की किस प्रकार से रक्षा करना, केयर करना है, मतलब इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना है, उसके बारे में बताया है। तो यहाँ कुछ टिप्स दिए, आपको उसको रीड करना है। क्लियर? तो चलिए मैं फिर से इसको रीड कर रही हूँ। केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन। क्या लिखा है बेटा? केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स। अवर सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जो ये सेंस ऑर्गन्स है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी शुड टेक केयर ऑफ देम। हमको उसकी केयर करना चाहिए, हमको उनकी केयर करना चाहिए। क्लियर? आइज, सबसे पहले आप लोगों ने सेंस ऑर्गन कौन सा पढ़ा था? आइज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? आइज के बारे में। वी शुड वॉश अवर आइज रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर। हमको रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहले जब आप लोग मुंह हाथ धोते हैं तो अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? वी शुड वॉश अवर आइज रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं होता कि बर्फ के पानी से धोना चाहिए, रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है उस पानी से आपको अपनी आंखें को रोज धोना चाहिए। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? सेकेंड है, वी शुड नेवर रीड इन पुअर लाइट। पुअर लाइट का मतलब होता है बेटा कि डल लाइट में, जहां पर आप लोगों को प्रॉपर लाइट ना हो तो वहां आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा रीडिंग आपका जहां पर लाइट प्रॉपर हो वहां पर ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो आंखों पर आपके जोर आता है, आंखें आपकी खराब होती है। क्लियर? वी शुड ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पाइनेज टू इम्प्रूव अवर विजन। हम लोगों को अपने भोजन में हरी सब्जियां खाना चाहिए, जैसे कि पालक, जो हमारे आंखों के विजन को क्या करती है बेटा? इम्प्रूव करती, बढ़ाती है। हमारी आंखों के विजन को क्या करती है बेटा? बढ़ाती है, मतलब हमारी आंखों के विजन को ये यानी साफ रखती है। क्लियर? यहां तक सबको समझ आया? वी शुड प्रोटेक्ट अवर आईज वाइल प्लेइंग। जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो हमारी आंखों को, आपको अपने आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपकी आंखों को ध्यान से रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड वियर गॉगल्स वाइल प्लेइंग क्रिकेट एंड बेसबॉल। मतलब आप लोगों को जब आप लोग खेल रहे होते हैं, आउटडोर गेम खेल रहे होते हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं या बेसबॉल खेल रहे होते हैं, तो आपकी आंखों को आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, बल्कि उसकी केयर के लिए आपको गॉगल्स पहन लेना चाहिए, ताकि आपको बॉल ना लगे, कोई धूल ना उड़े। इसीलिए आप लोगों को क्या पहन लेना चाहिए बेटा? गॉगल्स पहन लेना चाहिए। ऑलवेज रीड इन वेल लिट रूम। आप लोगों को हमेशा वेल लिट रूम का मतलब होता है अच्छे से, यानी जहां खुला रूम हो, यानी ऐसा बंद बंद वाला रूम ना हो, खुला रूम हो, वहां पर आपको ऑलवेज पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट रब अवर आईज, और अपनी आंखों को मलना नहीं चाहिए। रब करने का मतलब होता है जैसे कोई चीज चले जाती है और हम लोग अपनी आंखों को मलते हैं ना, तो वैसा आपको मलना नहीं चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये आपको आपकी आंखों के लिए जो सावधानी है, सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर ये टिप्स दी गई है। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? अब आपका आता है ईयर्स। क्या है बेटा? ईयर्स, कीप योर ईयर्स क्लीन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ। क्या लिखा है? कीप योर ईयर्स क्लीन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ। वी शुड नॉट पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इन अवर ईयर्स। क्लियर? वी शुड ऑलवेज क्लीन अवर ईयर्स विद द हेल्प ऑफ ईयरबड्स। लाउड नॉइस, फॉर एग्जाम्पल लाउड म्यूजिक इज नॉट गुड फॉर ईयर्स। वी शुड अवॉइड लिसनिंग लाउड म्यूजिक। वी शुड कवर अवर ईयर्स विथ अ कॉटन क्लॉथ और स्कार्फ वाइल मूविंग आउट इन कोल्ड। क्लियर?
अब आपको यहाँ पर इसके पहले आप लोगों ने आईज के केयर करने के लिए क्या क्या टिप्स दी गई थी वो बताए हैं, अब आपको ईयर्स को केयर करने के लिए क्या क्या टिप्स होती है वो बता रहा है। ठीक है, कीप योर ईयर्स क्लीन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ। आपको अगर अपने कान को साफ करने हैं तो जो सॉफ्ट क्लॉथ का मतलब जो पतला कपड़ा होता है, थिन कपड़ा होता है, जो सॉफ्ट होता है, उससे आपको अपने कानों को साफ करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इन अवर ईयर्स। जैसे कई बार कान खुल जाता है तो आप लोग पेंसिल डाल लेते हैं या पेन डाल लेते हैं, तो ये कोई भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट आपको कान में नहीं डालना चाहिए। क्लियर। वी शुड ऑलवेज क्लीन अवर ईयर्स विद द हेल्प ऑफ ईयरबड्स। ये जो ईयरबड्स आती है उससे भी आप अपने कान को साफ कर सकते हैं, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। लाउड नॉइज फॉर एग्जाम्पल लाउड म्यूजिक नॉट गुड फॉर ईयर्स। जो जोर जोर से शोरगुल होता है, लाउड स्पीकर बजता है, तो वो आपके कान के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वी शुड अवॉइड लिसनिंग अ लाउड म्यूजिक। जोर जोर से जो म्यूजिक सुनते हैं वो आपके कान को उस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी ऐसी आपको म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। जोर जोर से जो शोरगुल होता है ना, वाली म्यूजिक आपको नहीं सुनना चाहिए, उससे कान के पर्दे पर फर्क पड़ता है। वी शुड कवर अवर ईयर्स विथ अ कॉटन क्लॉथ और स्कार्फ वाइल मूविंग आउट इन कोल्ड। अगर आप लोग ठंड में कहीं बाहर निकल रहे हैं तो आप लोगों को कॉटन क्लॉथ से या स्कार्फ से अपने कान को बांध लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कान में ठंडी हवा न जा सके। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला है वी शुड वियर स्विमिंग कैप और ईयर प्लग वेन गोइंग इन टू अ स्विमिंग पूल। जब आप लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को उसमें अपने कानों में ईयर प्लग डाल लेना चाहिए, या आप लोगों को स्विमिंग कैप आप लोगों जो आती है वो आपको अपने कान में लगा लेना चाहिए, ताकि आपके कान में पानी न जा सके। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। यानी चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे पानी हो, उससे आपको अपने कानों की बचाव करना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं नोज। क्या है बेटा नोज? क्या है नोज? वी शुड क्लीन अवर नोज जेंटली वाइल बाथिंग। क्या लिखा है? वी शुड क्लीन अवर नोज जेंटली वाइल बाथिंग। वी शुड नॉट पोक एनीथिंग इनसाइड अवर नोज, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट। क्लियर। वी शुड कवर अवर नोज वाइल स्नीजिंग। कौन सा शब्द है ये? स्नीजिंग। कौन सा शब्द है ये? स्नीजिंग, SNEEZING, स्नीजिंग, सो दैट द जर्म्स वोंट फ्लाई एवरीवेयर। क्लियर। वी शुड ब्लो अवर नोज जेंटली वेन वी कैच कोल्ड। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? चलिए मैं इसको रीड कर रही हूँ। वी शुड क्लीन अवर नोज जेंटली वाइल बाथिंग। जब हम लोग नहा रहे होते हैं तब हमको अपने नाक को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। वी शुड नॉट पोक एनीथिंग इनसाइड अवर नोज। हमको अपने नाक में कोई भी चीज़ नहीं डालना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंसिल और एनी शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ों को आपको अपने नाक में नहीं डालना चाहिए। वी शुड कवर अवर नोज वाइल स्नीजिंग। जब आप लोग छींकते या खांसते हैं, स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, जब आप लोग छींकते हैं तो वी शुड कवर अपने नाक के सामने आपको कुछ रुमाल या कोई कपड़ा रख लेना चाहिए, सो दैट द जर्म्स वोंट फ्लाई एवरीवेयर। क्योंकि जो छींकने से जो जर्म्स निकलते हैं वो इधर उधर नहीं फैलते हैं। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। वी शुड ब्लो अवर नोज जेंटली वैन वी कैच कोल्ड। हमको जब अगर ठंड पड़ती है तो हमको अपने नाक को अच्छे से, नाक जैसे अभी कान के लिए बताया वैसे नाक को अच्छे से ढाक कर रखना चाहिए, ताकि आप लोगों को ठंड न लगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आता है आपका अगला, आता है टंग। क्या आता है बेटा? टंग। क्या आता है? टंग। वी शुड क्लीन अवर टंग वाइल ब्रशिंग द टीथ। क्या लिखा है? वी शुड क्लीन अवर टंग वाइल ब्रशिंग द टीथ। वी शुड रिंस अवर माउथ थारोली विथ वाटर। वी शुड नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन साइड अवर माउथ। वी शुड नॉट लिक डर्टी ऑब्जेक्ट। अब आपको अपने टंग को साफ करना है, आप लोग करते भी है कि वी शुड क्लीन अवर टंग वाइल ब्रशिंग द टीथ। आप लोग जो जब ब्रश करते हैं तब आप लोग अपनी टंग को साफ करते हैं, जिसको टंग क्लीनर भी बोलते हैं, तो टंग क्लीनर से आप लोग अपने टंग को साफ करते हैं। वी शुड रिंस अवर माउथ थॉरोली विथ वाटर। पानी से अच्छे से अपने मुंह को अच्छे से साफ करते हैं। वी शुड नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन साइड अवर माउथ। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अपने मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए। वी शुड नॉट लीक डर्टी ऑब्जेक्ट्स, और कोई भी गंदी चीज अपने मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया। अगला है आप लोगों का स्किन। क्या है बेटा? स्किन। क्या है? स्किन। वी मस्ट बाथ एवरी डे। क्या लिखा है? वी मस्ट बाथ एवरी डे। दिस कीप्स अवर स्किन क्लीन। वी मस्ट ड्राई अवर बॉडी विथ अ क्लीन टॉवेल। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स।
अब आप लोगों का लास्ट, आपका जो सेंस ऑर्गन है वो स्किन है। वी मस्ट बाथ एवरी डे, हमें रोज सुबह नहाना चाहिए, हमें रोज नहाना चाहिए। दिस कीप अवर स्किन क्लीन, जो हमारी स्किन को क्या करता है, साफ रखता है। वी शुड ड्राई अवर बॉडी विद अ क्लीन टॉवेल, हमको अपनी नहाने के बाद क्लीन टॉवेल से, साफ टॉवेल से अपनी बॉडी को ड्राई करना चाहिए, सुखाना चाहिए। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ, और हमें साफ सुथरे कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए। तो ये आप लोगों के, आप लोगों ने जो आप लोगों ने बॉडी सेंस ऑर्गन्स पढ़े उसके उसके ये जो आप लोगों ने पढ़े उसकी केयर के लिए आप लोगों को यहाँ पर टिप्स दी गई है, जिसको आप लोगों को करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का लेसन कंप्लीट होता है, और अब हम लोग इसकी एक्टिविटीज पर पढ़ेंगे कि इसकी एक्टिविटीज क्या है, आप लोगों को देखना है इसकी एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी टाइम है, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यहाँ पर आप लोगों को एक सेंटेंस दिया है जिसमें दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही सही ऑप्शन को आपको क्या करना है बेटा, टिक करना है। क्या करना है आपको, टिक करना है। पहला लिखा है वी टेस्ट थिंग्स विथ अवर नोज और टंग। क्या लिखा है, वी टेस्ट थिंग्स अवर विथ अवर नोज और टंग, हम लोग टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट लेते करते बेटा, नोज से करते हैं कि टंग से करते हैं, तो कैसे करते हैं हम लोग, टंग, कैसे करते हैं हम लोग, टंग से। नेक्स्ट है द आईज ईयर्स हेल्प अस टू सी, हमको देखने में कौन मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आईज, क्या हो जाएगा, आईज। थर्ड है यू यूज अवर नोज स्किन टू फील थिंग्स, हम इसकी हम कैसे फील करते हैं, तो हम अपनी स्किन से फील करते हैं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, स्किन। वी हैव अ टो थंब ईच हैंड, हमारे हाथ में टो होता है, पैर की उंगली को टो बोलते हैं और हाथ के अंगूठे को थंब बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, थंब, क्या आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पर, थंब। फिर है वी रन स्मेल विथ अवर लेग्स, हम लेग्स से क्या करते बेटा, हम लोग रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आप लोगों को। पहला आईज दिया है पिक्चर, दूसरा ईयर पिक्चर दिया है, तीसरा पिक्चर नोज दिया है, चौथा टंग दिया है, और पांचवा आपको टच करने के लिए यहाँ पर बर्फ दिया है ना, आइस क्यूब दिया है ना। तो अब आइस से आपको क्या करेंगे बेटा, सी, तो पहले का क्या हो जाएगा, सी। सेकंड है ईयर्स, ईयर से आप लोग क्या करेंगे, हियर, तो ये हो जाएगा ऐसा, सॉरी पहले का हो जाएगा डी, सी, और सेकंड का आपका हियर, ये आपका हो जाएगा सी, और थर्ड आपका नोज का हो जाएगा ए, स्मेल, फोर्थ आपका टंग, टंग का हो जाएगा टेस्ट, ई वाला पोर्शन, और आइस का आपका हो जाएगा टच, ये बी वाला। तो ये आप लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। ये दोनों चीजों को आपको अपने बुक में ही रखना है, इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन थर्ड है एक्टिविटी थ्री आपकी, से ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले आपको इसमें सेंटेंस को समझना होगा बेटा, नहीं तो आप लोग जनरली ऐसा करते हैं कि फर्स्ट वाला ट्रू, सेकेंड वाला फॉल्स, वैसा नहीं करना है। पहले सेंटेंस का मीनिंग को आपको समझना है। वी यूज अवर लेग्स फॉर किकिंग अ बॉल, क्या लिखा है, वी यूज अवर लेग्स फॉर किकिंग अ बॉल, हम अपने पैरों का यूज बॉल को किक करने में करते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल है, तो ये आपका सेंटेंस ट्रू है, क्या है ये, ट्रू है, टी आर यू ई, ट्रू। सेकेंड है वी हैव फोर टोज इन ईच फुट, आपको लिखा है कि हमारे पैरों में चार टोज होते हैं, तो चार टोज होती है कि फाइव टोज होती है, पांच उंगलियां होती है ना, तो ये आपका सेंटेंस क्या है बेटा, फॉल्स है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि आपके पैरों में, आपके फुट में फाइव टोज होती है, कितनी टोज होती है, फाइव टोज होती है, क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया। अगला है आप लोगों का लेग्स एंड आर्म्स आर अवर लिम्स, लेग्स और आर्म्स आपके लिम्स हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपके ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है बेटा आपका, ट्रू है। अगला है वी पुट थिंग्स ऑन अवर पाम टू नो देयर टेस्ट, वी पुट थिंग्स ऑन अवर पाम टू नो देयर टेस्ट, आप अपने हाथ में जो चीज रख रहे हैं उससे हमको उसका टेस्ट का पता चलता है, ये सही है या गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि हम हाथ में, हाथ पर रख करके हम टेस्ट पता नहीं कर सकते, हम टंग पर रख करके टेस्ट पता कर सकते हैं, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। सबको समझ में आया, मीनिंग आपको समझना है, पेरेंट्स का काम होगा यहाँ पर कि बच्चों को एक एक सेंटेंस के मीनिंग समझा दे, और फिर उसके बाद वो बच्चे खुद ही आपको ट्रू फॉल्स बताएंगे, क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब है एक्टिविटीज फोर, आइडेंटिफाई द सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प टू, आपको यहाँ पर सेंस ऑर्गन के बारे में बताना है, आइडेंटिफाई द सेंस ऑर्गन्स व्हाट दैट हेल्प अस टू, आपको उनके सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है। पहला है
वॉच बर्ड्स, बर्ड्स को देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आइज। क्या हो जाएगा बेटा? आइज। हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा हो जाएगा इसमें? आइज। लिसन टू सॉन्ग, अगर हमको गाने सुनना है तो वो क्या आ जाएगा, उसका सेंस ऑर्गन कौन सा हो जाएगा? ईयर्स। क्या हो जाएगा बेटा? ईयर्स, ई ए आर एस, ईयर्स। टेस्ट और चॉकलेट बार, चॉकलेट बार का अगर हमको टेस्ट लेना है तो क्या हो जाएगा? टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग। क्या आ जाएगा यहाँ पर? टंग। क्या आ जाएगा यहाँ पर? टंग। अगला है बेटा आप लोगों का, नो वेदर द वाटर इज हॉट आर कूल, पानी गर्म है या ठंडा है, ये हमको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बेटा? स्किन। क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्किन, एस के आई एन, स्किन। क्या आ जाएगा? स्किन। आपको पूछा है कि आइडेंटिफाई द सेंस ऑर्गन, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंस ऑर्गन से आपका ये यूज होता है। आपने बताया कि पहला आप लोगों ने बताया वॉच बर्ड्स तो आईज, सेकंड आपने बताया लिसन टू सॉन्ग तो ईयर्स, थर्ड है आपका टेस्ट और चॉकलेट बार तो आ जाएगा टंग, और नो वेदर द वाटर इज हॉट और कूल तो ये आपका क्या आ जाएगा? स्किन। क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्किन। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब आप लोगों का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, तो चलिए आज यहीं तक करेंगे। आप लोग ये दो क्वेश्चन है एक्टिविटीज थर्ड एंड एक्टिविटीज फोर, आप लोग इस चीज को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, क्लियर, और इसको याद करेंगे। यही आप लोगों का होमवर्क होता है, लिखने का काम तो आपका होमवर्क होता है, साथ ही साथ आपको याद करने का काम भी आपका होमवर्क होता है। तो चलिए धन्यवाद, आ जाएंगे तक करेंगे हम लोग।